ବର୍ଷକ ତଳେ ଧାନ ଦେଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି ପାଉଣା। ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଛତ୍ରପଡ଼ା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ଚାଷୀ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୁବ ଭାରତ କୃଷକ ସଂଘ ତରଫରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷକ ନେତା ପ୍ରଭାକର ନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ଦାବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବକେୟା ପାଉଣା ନ ମିଳିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। गत वर्ष तो एमती परिस्थिति है जिलापा को भेटिले जिलापा आमको कहले डाकिरसी एस एस कहले जहाँ करके धान दे दि से आम 3026 क्विंटल होता जी आमर मेसेज कितु आमको 1047 क्विंटल धान ने 1047 क्विंटल धान ने सरकारी रेट्रे पैसा दवा कथा 1940 रेट्रे दे न देपर कहे आमर आउ ना टार्गेट सरी जाइए पुणी तीन थर पाँच थर आसिक एआरसीएस पाखे मीटिंग है मीटिंग में एआरसीएस एस एस ओ बस कले 600 क्विंटाल धान सरकारी पैसा देवे आ 447 क्विंटाल प्राइवेट पैसा देवे मुझे सर प्राइवेट पैसा आम कहीं आप सरकारी घर धान बिकी प्राइवेट पैसा नबू दरकार नहीं आम 447 क्विंटाल धान फेरई दि जो 600 क्विंटाल धान नहीं सरकार रेट्रे दि आपण मैंने समस्ते आपण मैंने जानते गत वर्षर समस्या नहीं कर गत वर्ष समस्या है कौन छत्रपड़ा सेवा समवाय अधीन आमर जो चाषी भाई मैंने धान दवापी चिठा करते से अनुसार से धान दे नदवा द्वारा आम आस कलेक्टर को भेटिलु कलेक्टर से ऑफिसर मानक डाकिले सोसाइटर ऑफिसर तर जो मैंने विभाग ऑफिसर मान डाक कहले अनुसार आम चिठा प्रस्तुत है धान दिगला तापर धान दिगला से पेमेंट आमको देना आमको चिठा कर चिठा कपी आम पाखे अच्छी एपर्तंत आम चाषी भाई मैंने संपूर्ण पैसा पाइले ना। जाजपुर सुनीलिका साहू रिपोर्ट।